वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं पत्नीटॉप, चंद्रकोट टू पत्नीटॉप। आपको ट्रिप दिखाएंगे। पत्नीटॉप एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक हम आपको आज दिखाएंगे वहाँ की जर्नी। तो गाइस वेट एंड वॉच। तो चलिए मेरे साथ, हम चलते हैं पत्नीटॉप। तो गाइस कुछ सब्जियां लेनी है हमने, बिकॉज को खुद करना है। तो दोनों भाई हमारे शौनाज भाई और जहांगीर भाई सब्जियां ले रहे हैं। तब तक मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये बटोट टाउन है, अभी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है ना। तो आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएंगी यहाँ से। हमें हम थोड़ा सा फ्रूट ले रहे हैं और सब्जियां ले रहे हैं, एंड आफ्टर दैट हम निकलेंगे पत्नीटॉप के लिए। ऑन द वे टू सनासर, बट पानी भरना है हमें। यह हमारे कुमेल भाई लगे हुए हैं पानी भरने के लिए। उनके बाद हम भरेंगे, उनके आगे जाके क्या पता फ्रेश वाटर मिले ना मिले। काफ़ी व्यू देख लिए, दिखाऊंगा मैं आपको। काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत। एंड मगर एक चीज़ आपको बड़ी मतलब यहाँ की अच्छी है कि जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा चिल है, और साथ में पानी। कुमेल भाई पानी कैसा है, ठंडा है? पानी बहुत ठंडा है। ठंडा है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि नेचुरल वाटर, वो भी बिल्कुल कोल्ड आपको मिलेगा। आपको यू डोंट नीड अ बिस्लरी विदाउट रेफ्रिजरेटर है। कुमेल भाई लास्ट वीडियो का जो हमारा था, वो वाला, वो जो हमने कोल्ड ड्रिंक निकाली थी दरिया से, शायद लोगों को याद रहा है। वो भी बहुत बढ़िया था। मतलब आज हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोल्ड ड्रिंक इसी में डालेंगे? हाँ। इसी में डालेंगे। ओके गाइस हम चलते हैं, पानी भर लिया है हमने। गाइस हम जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच गए सनासर में। तो हम लोगों ने, वो कहते हैं हमारी जो लोकल लैंग्वेज, हमने अपना डेरा जमा लिया। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे भाई हमारे हेड शेफ जो है, माशाल्लाह इनके हाथ का खाना इज ऑसम। और हमारे साथ एक न्यू एंट्री है हमारे एजाज भाई, हाय बोल दीजिए इस साइड। हेलो, थोड़ा सा शर्मा दो, एक वीडियो बनेगा। एक चीज आप देखिए, आप जरूर देखिए इनको, और आप हमको, हम आपको बताएंगे हमारा जो चूल्हा है, इसमें हवा काफी चल रही है, और देखिए क्या अरेंजमेंट किया हुआ है। राज साहब इसके बारे में बताएं थोड़ा। काफी आप मतलब जब भी आप यहाँ पे सनासर वाली साइड आएंगे तो हवा बहुत है, आपको कुक करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। बट ये हमारे, ये जो आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, ये हमारे शाहनवाज भाई का है। इसको एक मतलब ऐसे करके ना बंद करके, तो इसके अंदर कुक करना काफी टफ होगा, इसको कुक करना। और देखेंगे कैसे कुक होगा आज। तो गाइस वेट एंड वॉच, काफी जबरदस्त वीडियो आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो इन्हें स्टार्ट कर दिया है बनाना। क्या बात है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं, चिकन है। तो चिकन को फ्राई कर रहे हैं शाहनवाज भाई। शाहनवाज भाई कितना टाइम लगेगा चिकन को? तो तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, हम इसको स्लो फ्राई करेंगे। शाहनवाज भाई आज आप कौन कौन सी डिशेस बना रहे हैं? आज हम बनाएंगे एक मसाला चिकन। जी जी। और
दूसरा चिकन फ्राई बस। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है आज काफ़ी कुछ खाने को मिलेगा। आप देख रहे हैं जहांगीर साहब गए पानी लाने के लिए, वो भाग रहे हैं, वो आपको दिख रहे ना। तो कुमेल भाई भी काम लगे हुए हैं और मास्ट। तो चिकन रेड हो चुका है, आप देख सकते हैं जहांगीर भाई अब लगे हुए चिकन को बड़ी खूबसूरती से। बहुत ही बेहतरीन चिकन लाल हो गया जहांगीर भाई, चिकन लाल हो गया अब, है ना। अभी टाइम लगेगा इसको 5-10 मिनट, है ना। काफ़ी यम्मी लग रहा है, मैं बोलता हूँ मेरे को देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। माई गॉड, आई एम नॉट वेटिंग फॉर ईटिंग दिस डिलीशियस चिकन। बट देख तो गाइज, पानी थोड़ा कम हो गया है, तो हमेशा की तरह कुकिंग करते टाइम पानी काफ़ी लगता है। तो मैं और कुमेल भाई मेरे साथ हैं, हम जा रहे हैं पानी लाने। सो चलते हैं कुमेल भाई पानी लाने। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है जहांगीर भाई कुछ ज़्यादा ही पानी इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, पानी इस्तेमाल करना, सफाई का काफ़ी ध्यान रखते हैं, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एक चीज़ है कुमेल, चाहे पानी की कमी हो जी जी या ना हो, एक चीज़ है कुमेल भाई, एक चीज़ है ये जो सना सर की एक चीज़ मुझे बड़ी बेस्ट लगी कि यहाँ पे हर चीज़ मतलब अवेलेबल है। पीस भी है, आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो। तुम्हें ज़रा व्यू दिखाइए, देखिए अब गाड़ियाँ आ रही हैं, देखिए अभी हम पानी लेने जा रहे हैं नीचे। सरां के पेड़ यहाँ बचपन में आया करते थे, और जब भी सना सर आते थे बचपन, वो स्कूल की बस याद आ जाती है। मैं बिल्कुल वो स्कूल वाले पिकनिक वाले डेज ही अलग थे, बिना फिक्र के इंसान आ रहा था। बिल्कुल, आज हम मतलब जब कभी भी निकलना हो तो दस बार सोचना पड़ता है, ऑफिस और घर वाले एंड ऑल दैट। बिल्कुल बिल्कुल। भाई भी गाड़ी सीख चुके हैं, कोई ना थोड़ी थोड़ी चला लेते हैं, उतना नहीं चलाते बट थोड़ा थोड़ा। पानी वानी लाने के लिए? हाँ, पानी लाने के लिए, जब कहीं पानी वानी लाना हो तो दैट टाइम। किसी गाड़ी खराब हुई है, किसी की गाड़ी खराब हो चुकी है, एक दिन पूछ लेते हैं क्या बात होगी। सर क्या बात होगी? अच्छा नॉर्मल, मैं बैटरी तो नहीं इशू। ठीक ठीक ठीक। अच्छा उनकी गाड़ी थोड़ी सी खराब हो गई थी, वो जाते हैं। जब आप कभी भी ऐसे एरियाज में आए तो थोड़ा ड्राइव थोड़ा नॉर्मली करें, बिकॉज क्योंकि सिंगल रोड है, सिंगल रोड है और प्रॉब्लम हो जाती है। पानी शायद इधर है, पहुंचने वाले हम पानी के पास पहुंचने वाले ना। ये पानी अब कुछ वो कहते हैं जैसे वो डेजर्ट में चमकती हुई चीज दिख जाए तो पानी होता भी है कि नहीं होता है। हाँ, वही बट ऐसे धोखा, बट ये यहाँ पे धोखा नहीं है, पानी है एक्चुअली पानी है। नहीं है पानी, यहाँ पे पानी है। हाँ इसके इस साइड चश्मा होगा मुझे, साफ पानी है, चश्मा होगा इसका। नहीं है? नहीं जनाब, अब हम आगे जाएंगे। ठीक है चलेंगे आगे, सना सर ना पहुँच जाएंगे कहीं हम। नहीं बट सना सर पहुँच भी जाएंगे तो क्या बात है, हम वापस आ जाएंगे, वो लोग तो तब तक कुक कर रहे हैं। हाँ पानी तो काफ़ी है हमारा, चावल के लिए पानी कम हो चुका है अभी, चावल के लिए, और चावल बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गाइस पानी think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time, picture so perfect we played through. काफी अच्छा पानी लग चुका है, जब तक ये पानी भरता है तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। गाइस हमें एक्चुअली जो चंद्रकोट से अराउंड 1.5 आवर लगा यहाँ पे पहुँचते, बट लिटरली मैं बताऊँ आपको जो वो कहते हैं ना मंजिल तक पहुँचने का जो मज़ा है ना, वो सफ़र का ही आता है। बिल्कुल ना, सफ़र का जो हमें ऑसम सीनरी है, वेदर बहुत अच्छा है, एंड नाउ आई एम फीलिंग, मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा ठंडा मौसम है कि कोई हम सिर्फ इतना ही कहेंगे आपसे कि आप कभी भी विजिट करें तो आपको थोड़े से वार्म जो है ना गर्म कपड़े साथ में लेके आए, ज़रूरी है, क्योंकि मुझे खुद लिटरली अभी ठंडी लग रही है। Hey, I'm going clean off a bean in the truck. Voices in my
गाइज हम पहुंच चुके वापस और अब देखते हैं क्या बना है। लुक एट दिस, मसाला चिकन तैयार हो चुका है और माशाल्लाह बोलता हूँ देखते ही मुंह में पानी आ चुका है। और जब हम इसको टेस्ट करेंगे और खाएंगे इट विल मेक अनदर हैप्पीनेस। ये व्यू एंड उसके साथ में दिस ऑसम थिंग टू ईट, इट मेक्स अ डिफरेंट थिंग। आप देखिए जब इतने पीसफुल व्यू में आप खाना खाते हैं ये एक अदर चीज़ है कि उस चीज़ को ना टेस्ट को जितना ज़्यादा मतलब इनहेंस कर देता है। गाइज अब एट लास्ट चाय बनाई हमने, तो चाय पीने के बाद हम निकल जाएंगे वापस। सर्दी काफ़ी है बट चाय का मज़ा उस चीज़ को एक डिफरेंट ही लेवल पे लेके जा रहा है। तो सर चलते हैं हम। आप देख रहे हैं सर्दी ने जहांगीर भाई की क्या कंडीशन कर दी है। ये कुमेल भाई है, सॉरी सॉरी कुमेल भाई। कुमेल भाई क्या हुआ आपको? सर्दी काफ़ी है। नहीं इतनी कितनी सर्दी हो गई? बहुत सर्दी है, टेम्परेचर 20 डिग्री। मतलब आप साथ में जहांगीर भाई को देखो, जहांगीर भाई डोले ऐसे रखे हुए बिल्कुल। जहांगीर भाई झुमा लगा, जहांगीर भाई को चाय अंदर के ही डोले भूल गए ये चाय की वजह से डोले भूले। हां क्या चाचा गिलास भी नहीं चढ़ा है ना, और चलाइए ना पानी। गाइस चाय पीने के बाद मुझे लगता है ये पानी का असर हो गया है हमारे भाइयों पे, इनके मुंह से वो गोजरी लैंग्वेज जो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज है जो बोली जाती है। आप सुनो ध्यान से सुनिए जरा। नहीं नहीं हम आपकी वीडियो नहीं बना रहे हैं। नहीं नहीं हम आपकी वीडियो नहीं बना रहे हैं। नहीं नहीं हम आपकी वीडियो नहीं। गाइस अब ये बेस्ती वाला काम जो होने वाला है कि इसके बाद बर्तन मुझे ही धोने, चाय खाना सब कुछ हो रहा है, बट उसके बाद अब चलो 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 चलो, 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 चलो।